हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं सत्यम आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यनग्रानी में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं आज मैं आपके लिए उफसर को प्रत्यय का पार्ट टू लेके आया हूं जिसमें मैंने आपको पार्ट वन में के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के, के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस भी दी थी आज उसका उसी के आगे में पार्ट टू लेकर आया हूँ आपके लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आने वाली है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द जारी होगा जिसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोग देख लेना और जेल पुलिस का एग्जाम की डेट आ चुकी है उसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ चलिए तो बिना टाइम वाला क्लास को स्टार्ट करते हैं ओके okay, टीयर तो ये मेरा इस आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन पिछले क्लास में कवर कराएंगे अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया है उस क्लास में ठीक है उपसर व प्रत्यय का एक बार फिर से रिवीर कराता हूँ कि उपसर कहाँ लगा जाता है प्रत्यय कहाँ लगा है उपसर जो होता है शब्द के आगे काउंट किया जाता है और जो प्रत्यय होती है वो शब्द के हमेशा पीछे जोड़ा जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका पहले क्वेश्चन रिविल पढ़ते हैं अच्छा है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है जो निर्वाह है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा निर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बेसिक में कवर नहीं कराया तो उनके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैंने बेसिक के जरिए कवर नहीं कराया मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बेस कवर करा दूंगा तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बयालस होती है कितनी होती है बयालस डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट तो देखते हैं किरदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं जो किरदंत प्रत्यय हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आपको तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी विशेषण ऑप्शन नंबर डी क्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्रिया के साथ जो किरदंत प्रत्यय होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं इनमें से कौन सा पद गलत है तो आपको बताना है दैविक सामाजिक भौमिक पक्षिक देखो पद है जो ये पद हैं चार उनमें एक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द ऐसा है जो गलत है इसमें तो देखो दैविक क्या है दैविक सामाजिक भौमिक पक्षिक पक्षिक में एक शब्द नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा पक्षी एक सही आंसर है पक्षिक में बिल्कुल फिट बैठ रहा है पक्षिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शब्द की रचना किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है देखो कौन सा शब्द है जो उसकी रचना प्रत्यय से हुई है अवियोग व्यायाम अपमान या इनमें से कोई नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ऐसे इसमें कोई शब्द नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है क्योंकि प्रत्यय हमेशा कहां लगता है शब्द के लास्ट में ठीक है बेइंसाफी में प्रियुक्त उपसर्ग है जो बे इंसाफ़ी है प्रियुक्त उपसर्ग के ऑप्शन उपसर से क्लियर हो गया तो शुरुआत का वर्ड हमें सेलेक्ट करना है तो ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबको दिखा रहा है इंसाफ ही में बे शब्द जुड़ा है कौन सा बे शब्द इंसाफ ही में जुड़ा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ओके डियर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर दें कि पढ़ाने का तरीका गलत लग रहा है कि कौन बताने के तरीके का लगा तो मैं आपको बता दूंगा देखिए फ्रेंड बहुत ही जल्दी जेल पुलिस का वीडियो आने वाला है जेल पुलिस का क्या का एग्ज़ाम एक डेट पर जेल पुलिस का एग्जाम डेट पर वीडियो बनाने वाले हैं उसकी डेट क्लियर हो चुकी है हो सकता है कल तक आपको मिल जाए क्योंकि जेल पुलिस की डेट फिक्स हो चुकी है तो आप लोगों को बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है कोरोना को लापरवाही नहीं करना कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा एग्जाम नहीं होगा एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं आपके बस लग जाइए अभी से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से उपसर्ग रह शब्द है जो उपसर्ग रह शब्द कौन सा हो जाएगा सुयोग विदेश अत्यधिक या सुरेश ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग लगा है उपसर्ग रहे थे तो ऑप्शन नंबर आई थिंक आई अकॉर्डिंग टू मी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा क्या हो जाएगा सुरेश क्या हो जाएगा सुरेश बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है जो बहाव शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी तो इसका ट्वेंटी एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वा देखो मैं आपको रिवील कराता हूँ वा हाओ तो हाओ यानी कि आओ आओ शब्द है जो इसमें लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान शब्द है प्रयुक्त उपसर्ग है जो विज्ञान शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग है बहुत अच्छे क्वेश्चन है विज्ञान सबको समझ में आ रहा होगा उसका ऑप्शन बताने की आवश्यकता तो नहीं है बी क्या भी। जो ज्ञान शब्द है उसमें बी शब्द हमारा क्या है उपसर्ग है ओके कोई पूछ दे विज्ञान में कौन सा क्या है प्रत्यय लगा होता है या उपसर्ग तो आपको बताना है विज्ञान में उपसर्ग लगा होता है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के चिर आयु अब आप लोग मुझे एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे चिर आयु का मतलब क्या होता है क्या बताएंगे आप लोग हमें चिर आयु का मतलब क्या होता है आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे ओके अब इसमें बताना है प्रयुक्त उपसर्ग क्या है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी चिर आयु तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिर आयु सॉरी चिर आयु ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग में बी होगा चिर क्या शब्द जोड़ेगा चिर शब्द जोड़ेगा आयु में तभी बन जाएगा चिरायु अब आपको बताना है कि चिरायु का मतलब क्या होता है धुंधला शब्द में प्रयुक्त तो प्रत्यय है जो धुंधला शब्द है उसमें प्रयुक्त तृतीय है क्या है थर्टी वन क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए धू ऑप्शन नंबर बी धुंद ऑप्शन नंबर सी ला इनमें से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर डियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ला धूं दे ला देखो धुंध में जो धुंध शब्द है उसमें क्या जुड़ा हुआ है ला हमारा जुड़ा हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को मेरे मेहनत मेरी मेहनत समझ में आ रही है मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दो मित्रों में ज़रूर शेयर कर दिया करो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और अगर हो सके तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर किया करो इसमें इसमें थोड़ा मेरा बेनिफिट होगा आप लोगों को थोड़ा गलत लगता होगा कि मैं क्यों शेयर करूँ देखिए आप लोग दिन भर में बहुत सी वीडियो शेयर करते हैं लाइक टिक टॉक फेसबुक तमाम तो सोशल मीडिया टैक्स शेयर करते हैं अगर कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो कुछ अच्छा ही बनेगा आइए आए समझ में अच्छा अगर खेत में कुछ अच्छा बोया जाता है तो फसल भी अच्छी ही होती है अगर कुछ गंदा बो दोगे तो गंदा ही निकलेगा ना तो अच्छी विचार लाओ अच्छे संस्कार पैदा लाओ अच्छे घर के से रिलेट करते हो अच्छी फैमिली से रिलेट करते हो तो थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा तुम्हारे साथ ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छा दो में प्रत्यय का चयन कीजिए दो शब्द है उसमें प्रत्यय का कर चयन करने इतनी तो जाहिर सी बात है कि लास्ट वाला शब्द हमें निकालना है तो थर्टी टू क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए हरता ऑप्शन नंबर बी हर ऑप्शन नंबर सी हत ऑप्शन नंबर डी हारी तो अकॉर्डिंग टू तो मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यय में देखो दोष में जो दोष शब्द है उसमें क्या जुड़ा हुआ है हरता जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है हरता तो इसका करेक्ट आंसर डियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए हरता ओके आपको पहले बताइए कि दोस्त में हरता साथ जुड़ा है तो ऑप्शन नंबर बी ना होकर ऑप्शन नंबर ए होगा ओके थोड़ा मैंने गौर नहीं कर पाया था उसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ किस शब्द में उपसर्ग नहीं है देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बी एड में आया था जी सारे क्वेश्चन देखो आए हुए हैं आई पी वाले भी बताएंगे हम आपको यूपी प्लस की पिछले वीडियो बने पहले टॉपिक वाइज कवर कर लो फिर प्रैक्टिस दम से करेंगे हम लोग किस शब्द में उपसर्ग नहीं है अपवाद उपसर्ग का मतलब इतना तो क्लियर हो गया शुरुआत का शब्द देखना है जिसमें है नहीं अप क्या अपवाद तो इसमें तो शायद है परा जाय तिरवाओ ओढ़ना क्या ओढ़ना तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ओढ़ना देखो तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है ओढ़ना यानी कि इणना इणना कोई शब्द होता है नहीं होता है ना देखो भाव शब्द होता है तो इसमें तो जाहिर सी वजह पे भाव और जय शब्द भी होता है क्या शब्द होता है जय जय शब्द होता है तो इसमें परा जोड़ा जाएगा और बाद शब्द भी होता है तो डी में अड़ना शब्द नहीं होता है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा थर्टी वन का डी हो जाएगा ओढ़ना फो थर्टी फोर नंबर है संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो संस्कार शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है देखो उपसर्ग से क्लियर होता है कि शुरुआत का शब्द हमें निकालना है तो फोर्टी फोर क्वेश्चन थर्टी फोर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर इसका ए सम सन देखो सन्स निकल रहा है सन्स ठीक है तो संस नहीं होगा सन्स नहीं होगा प्रयोग हुआ है तो थर्टी फोर में संस थोड़ा संस्कार यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए थोड़ा संस्कृत शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा होगा पुरोहित में उपसर्ग है देखो पुरोहित में उपसर्ग है क्या निकालना है पुरोहित में उपसर्ग आपको तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बी हो जाएगा या सी या डी आपको अपना आंसर बताना है तो मैं आपका इस, मैं आपको इसका आंसर रिवील करता हूँ इसका आंसर हो जाएगा पुरा पुरोहित पूरा शब्द इसमें जोड़ा है रोहित में तो क्या हो जाएगा प्रोहित ओके तो यहाँ तक मैंने थर्टी फाइव तक कवर करा दिए हैं आगे भी करा रहा हूँ अभी अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक और कमेंट दो चीज़ें बहुत ही मस्ट हैं शेयर करो या ना करो लाइक और कमेंट जरूर किया करो अपनी बात जरूर रखा करो कि हाँ मुझे अच्छी लगी या यहाँ कमी नज़र आ रही है अवनो शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है जो अवनत शब्द है प्रयुक्त उपसर्ग क्या है उपसर्ग से क्लियर हो रहा है शुरुआत का शब्द निकालना है तो नत शुरुआत में नत तो लगा नहीं है इसमें आ तो लगा है हो सकता है अवन देखो यहाँ पर बनत कोई शब्द है नहीं है तो आ ये तो कट जाएगा नत तो शुरू में जो ये भी कट जाएगा अवन इसमें कुछ है नहीं यानी कि ता अकेला शब्द कोई होता नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जा नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा आओ क्योंकि नत शब्द यहाँ पर होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है जो सावधानी शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा देखो प्रत्यय क्लियर होता है कि हमारा थर्ड यानी कि लास्ट वाली स्टेज में हमें देखना है कि क्या शब्द इसमें ऐड हुआ हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में ई ऑप्शन नंबर बी में छूटी ई e, ऑप्शन नंबर सी में धानी ऑप्शन नंबर डी में आनी तो इसको आपको बताना है सावधानी तो इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है तो थर्टी सेवन क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं थर्टी एट पर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त तो प्रत्यय है जो कनिष्ठ शब्द उसमें प्रयुक्त तो कृत्या है आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ओके हिंदी कवर कराई जाएगी जीएस कवर कराई जाएगी आपको इस चैनल पर सारे वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर्स भी मिलेगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और इंग्लिश की क्लास ये ऐसा ही नहीं कि इस पर पर्सनल एक सब्जेक्ट वाइज क्लास दी जाती हो फिज़िक्स इंग्लिस जी और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो जो भी होते हैं स्पोकन सेंटेंस वगैरह और जैसे कोई न्यूज अपडेट न्यू अपडेट आती है एग्जाम को देखते हुए तो वो सारी चीजें यहां पर आपको कवर हो गई तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें थर्टी एट क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इष्ट इष्ट कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट तो कनिष्ठ तो इष्ट इज इस द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अति उसब निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है अत्यू ऑप्शन नंबर ए अति ऑप्शन नंबर बी अपि ऑप्शन नंबर सी अति ऑप्शन नंबर डी अधि देखो सी ओ टी जी टी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है अभी रिसेंटली आया ज़्यादा बैक भी नहीं हुआ क्योंकि अभी उन्नीस में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ है शायद हुआ था पुलिस का हुआ था तो थोड़ा जो ओल्ड है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन अपडेट क्वेश्चन है सारे तो इसमें अति शब्द में ऑप्शन बताना है तो अति शब्द हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या अति ऐड हुआ है यहाँ पर उपस्त नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन का हमारा अमावट में प्रत्यय है जो अमावट है उसमें प्रत्यय क्या है तो टा शब्द है वट शब्द है आवट शब्द है या मावट शब्द है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है दोस्तों तो अमावट अमा भट इनकी अमा भट प्रत्यय निकालना है तो इनकी लास्ट वॉल देखना है हमें अमा भट तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवट क्या हो जाएगा आवट मध्य प्रदेश बी में दो में पूछा गया था परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये ये थे दियर आ, आज 20 के हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को आई होप सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है थोड़ा बहुत हुआ होगा तो मोस्टली एग्जाम को देखते हुए इतना ही आता है कि प्रत्यय क्या है या प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं नहीं पूछा जाता ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो क्योंकि एक पुलिस की भर्ती देखने जा रहे हो आप कोई ऑफिसर रैंक की भर्ती नहीं देखने जा रहे हो तो जेल पुलिस यू पी एस आई बी डी ओ नेकपाल के लिए देखते हुए बहुत ही अच्छी क्लास है आपके लोगों के लिए एक दो बार देख लीजिए सारी चीज़ें कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएंगी अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो आप लोग इसको जरूर जाके देखें डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी नहीं तो मैजिक क्लास हिंदी के नाम से प्ले स्ट बनी हुई है सारी क्लासें अप टू डेट मिल जाएंगी आपको तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद तब तक के लिए जय हिंद जय भारत